भगवान महावीर की जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है और वहां पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। वोटिंग 7 बजे से शुरू होगी और उसके पहले ही जो कतारें हैं वोटरों की वो लगनी शुरू हो गई है। जैसा कि आपने कहा कि क्या मॉकपोल यहां कर लिया गया है, तो मॉकपोल के जो सारे काम है वो पूर्ण हो गए हैं और जो मतदाता है वो काफी उत्साहित हैं। सुबह से ही कतारबद्ध यहाँ खड़े हो गए हैं वोट डालने के लिए। बुद्ध की अगर हम बात करें तो उत्क्रमिक मध्य विद्यालय दाऊदपुर है, वैशाली का पारू का ये क्षेत्र है, बुद्ध संख्या 271-272 यानी 2 बुद्ध संख्या यहाँ पे है और महिला और पुरुषों की जो लाइन है वो अभी से ही लगनी शुरू हो गई है। सभी जागरूक हो गए, लगातार हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान और उसकी जो तस्वीर है वो वैशाली जो लोकतंत्र की जननी कही जाती है वहां पे नजर भी आ रही है। महिला पुरुष सभी अपने पहचान पत्र लेकर लाइन में लग चुके हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, पहले मतदान फिर जलपान, सुबह से ही आ गई है जी, सुबह से ही है जी, 6 बजे से है हम, 6 बजे से है जी। तो मतलब 1 घंटे पहले इंतजार करना पड़ रहा, कोई नहीं, वोट करना है जरूरी है, वोट करना जरूरी है कि पहले उस समय रौद हो जाएगा तो रौद में कैसे आदमी वोट देगा, ये हम लोग सवेरे से लाइन लग गए हैं। अभी घर का खाना पीना नहीं बना है पहले? कुछ नहीं बना है, अभी यहाँ से जाके बनाएंगे। मतलब अभी तो कुछ खाए पीने भी नहीं होंगी, बोलिए कि नहीं खाए नहीं बनाए हैं, बोलिए ना, डरा कह रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान तब जलपान, पहले मतदान तब जलपान। देखिए किस तरीके से यहाँ लोकतंत्र की जननी ऐसे ही नहीं कही जाती वैशाली को, मतदाता कितने जागरूक है, पहले मतदान करेंगी फिर जलपान करेंगी, धूप ना हो जाए क्योंकि गर्मी का मौसम है, यही वजह है कि सुबह से ही ये लोग कतारबद्ध यहाँ खड़ी हो गई है अपने अपने पहचान पत्र लेकर, अपने अपने वोटर आईडी कार्ड लेकर और सभी यहाँ वोट करने के लिए कतारबद्ध। ये देखिए सभी अपने पहचान पत्र लेकर यहाँ पहुँच गए हैं। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान करेंगे तब जलपान करेंगे। सबसे यही अपील करती है हाँ, कि वो घाम हो जाएगा धूपा हो जाएगा कैसे करेंगे, जाएंगे तब जलपान करेंगे, अभी मतदान कर। घर का काम वाम अभी किए नहीं किए हैं हम, तो 6 बजे चल आए हैं, 7 बजे का तो वोट गिरा था, इंतजार कर रहे हैं यहाँ खड़ा, तो लाइन भी छोटी हाँ, है आपकी अब तो हाँ, अभी जल्दी हो जाएगा मतदान। ऐसे ही जागरूकता की जरूरत है क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि फिर धूप हो जाएगी, लंबी कतारें हो जाएंगी, यही वजह है कि पहले से ही आ गई है और अभी नेता तो आपके 7 बजे में महिलाओं की कतारें देख पा रहे हैं। वोटिंग शुरू होने में अभी समय है लेकिन महिलाओं में देखिए उत्साह कितना ज्यादा और अपने कर्तव्य को लेकर कितनी ज्यादा वो जागरूक है कि पहुंची हुई है 6 बजे से 7 बजे से पहले ही वोट डालने के लिए। आपके पास लौटूंगी विनीता, हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। अविनाश देखिए 6ठे चरण का चुनाव होना है 4 सीटों पर, तो ऐसे में वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही है, आपकी मौजूदगी इस बार कौन से बूथ पर है एक बार बताएं दर्शकों को और वहां पर किस तरीके की तैयारियां वो भी दिखाएं। देखिए वैसे तो देश के में 6ठे चरण का आज मतदान होना है लेकिन अगर हम झारखंड के लिहाज से बात कर ले तो आज यहाँ 3रे चरण का मतदान होना है और 3रे चरण में 4 सीटें हैं झारखंड की, चाहे वो रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह की बात करें। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये जमशेदपुर का पुटका विधानसभा क्षेत्र है और पुटका विधानसभा क्षेत्र का यहाँ 2 बूथ हम आपको दिखाएं कि किस तरह से, ये सामने जो बूथ देख रहे हैं ये 54 नंबर बूथ है और उसके ठीक बाईं ओर अगर हम देखें तो यहाँ एक और बूथ है वो है 53 नंबर। जो मॉक पोल की प्रक्रिया होती है वो सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि दरवाजे बंद करके ही किए जाते हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं वो अंदर जा चुके हैं। कुछ जो महिलाएं हैं खासकर अगर हम वृद्ध महिलाओं की बात करें तो यहाँ जैसा कि हमारे सहयोगी भी दिखा रहे हैं कि बिहार में किस तरह से महिलाएं सुबह से आ चुकी हैं और मतदान पहले करना है। क्या चाची इतना सुबह सुबह क्या है आज? वोट है। अच्छा तो घर का काम वाम किए कि पहले आए? पहले आए हैं। पहले वोट करिएगा। कहाँ से आई हैं? किटाडी गड़वान पट्टी से। पैदल ही आ गई वहाँ से? पैदल आ गई? पैदल बोल जम्पल छोड़ देंगे हम लोग, पैदल ही जाएंगे। पैदल जाइएगा और यहाँ जाने के बाद घर का काम करना है क्या दादी? नहीं देखिए दादी हंस रही है क्या? अच्छा ये बताइए कि ये आपके तरफ में पानी का हमेशा शहरी इलाका है लेकिन फिर भी पानी का एक मुद्दा रहता है, क्या पानी को लेकर आप लोग की तरफ भी दिक्कत होती है? नहीं दिक्कत है। पानी अभी वो आता है नल से? हाँ, नल से पानी, सरकारी नल है, पानी आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। देखिए ये महिलाएं हैं और कुछ इलाके जो ग्रामीण इलाके हैं उस इलाके में हमेशा से कहा जाता है कि जमशेदपुर के इलाके में, चूंकि इसके 2 पार्ट को समझने की जरूरत है,
पूरा औद्योगिक एक क्षेत्र है जमशेदपुर, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। और इसके अगर हम क्षेत्र को दो भागों में बांटें, शहरी और ग्रामीण, तो शहर में आपको वो हर चीज, हर चौका चौंद आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो वो पिछड़ापन भी आपको देखने को मिलता है, बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की। और इस चुनाव में भी इस तरह की समस्याओं को लेकर लगातार चर्चा होती रही, जो चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं वो लगातार इन बातों को कहते रहे कि उन्हें मौका मिला तो वो ज़रूर उसे दूर करेंगे। यहाँ अगर हम जमशेदपुर सीट की बात कर लें तो मुख्य रूप से जो मुकाबला है वो बीजेपी और जेएमएम के बीच है। विद्युत वरण महतो जो हैं वो सांसद हैं और वो उनको फिर से एक बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो समीर मोहंती हैं जो जेएमएम के विधायक हैं बहरागोड़ा से, और उन्हें इस बार चुनावी मैदान में, लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो अभी देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं वो आनी शुरू हो गई हैं, और सुबह से ही सबसे ज़्यादा अगर हम देखें किसी भी अगर बूथ की बात कर लें तो महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। जो अगल बगल के लोग हैं वो सबसे पहले आते हैं और एक बार इंक्वायरी करके जा चुके हैं कि उनका बूथ किधर है, क्योंकि मैंने कहा कि 53 और 54 दो बूथ यहाँ इस कैंपस के अंदर है, REO का ये ऑफिस कार्यालय परिसर है। और यहाँ सुरक्षा के लिहाज से भी अगर हम बात कर लें तो मैं जहाँ भी जिस बूथ से भी होकर सुबह सुबह गुजर रहा था, सभी जगह बूथ के बाहर ही, जैसे यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं, और जो भी लोग इस परिसर के अंदर आ रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, और उनके उनकी पर्ची देखने के बाद यह भी बताया जा रहा है कि आपको किस बूथ पर खड़ा होना है। तो ये एक सहूलियत भी होती है, चूंकि चुनाव के वक्त जब लोग मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, अगर एक से ज्यादा मतदान केंद्र हो तो बहुत सारे लोग बगैर पता किए हुए लाइन में पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, और जब उनकी बारी आती है तो पता चलता है कि जब मैं कतारों में खड़ा हूं तो मुझे कहां पर जाकर वोट डाला है, मेरे मत का प्रयोग कहां पर होगा, उसको सुनिश्चित कर लेने के लिए पहले पहुंचकर जानकारी भी ली जा रही है। और बेहद खूबसूरत एक तस्वीर, चूंकि 4 लोकसभा सीटें झारखंड की है जहां पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। और गिरिडीह हमारे सहयोगी हमारे साथ, देखिए वहां से जुड़ रहे हैं गौरव झा। गौरव, जरा तस्वीरों के साथ सबसे पहले हमारे दर्शकों को जोड़िए, और क्या यहां पर भी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं वोटिंग से पहले, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाई हमारा मत सबसे पहले पड़े? बिल्कुल विवाह, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम जिस बूथ पर हैं ये गिरिडीह के शहरी इलाका का बूथ है, और इस बूथ पर आने की मुख्य वजह ये है कि कई जो VIP वोटर्स हैं वो इस बूथ पर आएंगे। और अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में अमूमन आपको देखने को मिलेगा कि तय समय पर ही लोग बूथ पर पहुंचते, लेकिन मॉक पोल की जो प्रोसेस है वो चल रही है। लेकिन एक ये तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें EVM पर वोटिंग करने में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर बाहर जो नमूना है वो लगाया गया है, और इसी नमूने के आधार पर वो यहाँ पर वोटिंग करेंगे। जेसी बोस उत्क्रमित बालिका मध्य विद्यालय ये स्कूल है, और इस स्कूल के अंदर जाकर भी हम आपको अब दिखाते हैं कि यहाँ की क्या तस्वीरें हैं और किस तरीके से यहाँ मॉक पोल की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। मॉक पोल इस वजह से क्योंकि जब वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी तो उससे पहले तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए, इसे लेकर निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं हम कहेंगे, वो यहाँ पर कामों में लग जाते हैं। EVM की जांच होने लग जाती है और फिर मॉक पोल का प्रोसेस होने लगता है। हम बिल्कुल अंदर, यही वो कमरा होगा जहां आकर लोग वोटिंग करेंगे। हम आपको परत दर परत ये दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां काम होगा, उसके बाद जो कर्मचारी काम में लग गए हैं उनसे भी हम आपको मिलाकर दिखाएंगे। पहले देखिए ये मॉक पोल का जो प्रोसेस है, पर्चियां जो निकलती है उसे यहां पर टेस्टिंग किया जा रहा है, क्या क्या मिलान किया जा रहा है, क्या क्या है सर।